जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिप्त हुआ। क्या बात, मेरे लिए तो यही टेंशन थी, पद्मश्री मिल गया था। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगा, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बने। मुझे और टेंशन हो गई, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई, मैंने कहा कदाप नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं नहीं है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, कौन ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं बन सकता। वाह वाह वाह, क्या फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे हुआ किसके आऊ टेंशन। इतने में खंजर दादा का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू इधर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा खंजन जी का घर जानते हो, बोला हाँ यही बगल वाला जहाँ से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो, बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा। वाह वाह वाह, कमाल लड़ाई, टेंशन से वाकता नहीं हो रही। आज का दौर ये किधर जा रहा, आज समझिए हर दीवार पर लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कचड़े के डिब्बे में भी लिखा रहता वो हरा वाला नीला नीला वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे हैं कि एक बार बेटी बचाओ। क्यों डॉक्टर साहब, आपका भी फोन आ गया। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं कि बेटियों का क्रेज यार एक एक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार बेटी को बचाओ यार, नेता जी भी आज बेटी बेटी गुड़गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड में डल्ला रही, पर बेटे भी आज गोल्ड फेंक ले। तेजस्वी बालक हो भाई, क्या कर रहे हैं, क्या परिचय दिया है। तो तब हाँ कहा है कि मेरा समय बढ़ रहा है। हाँ मैं ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ। फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। हाँ वो तो दादा तक जाने के कोई कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन सूरज भाई से बोल रहा, मैंने कहा सूरज भाई यार ससुराल चलना चाहता हूँ, कहीं विवाह हो गया। मैंने कहा था वो कोरोना काल में हो गया, कहीं कैसे होगा। मैंने कहा मेरा विवाह हो नहीं पा रहा था क्योंकि कोरोना काल लगा, तभी मेरा विवाह लगा, फिर लगा तो लगा रहेगा, हो नहीं पाया था। सभा होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। दादा अगर मैं कर लेता वो देख लेते, वही सेवा समाप्त हो सकती। तो मैंने उसे बताया कहा मिलो कि फोन में ही दी है बात, दिन दिन रात रात फोर जी का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया। प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताए नाथ, मुखड़ा पति किस सांचे से बना। उसको क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। मैं यही सांचा लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें भी कुछ हो सकता है। बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या, बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में, बोले 5 लाख में। मैंने कहा 5 लाख अगर ना हो तो, बोले बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो तब तो हो सकता है, बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है मत करिए, पर ये बताइए कि आपके ये
दीवालों में और गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों लिखा रहता है? बोले बेटा बताता तो किसी से नहीं हूं पर तुम कभी हो इसलिए बता। मैंने कहा बता दीजिए। बोले ऐसा देखो कि हमारे पास ये ऐसे खड़ा खड़ा मरीज आता है, ऐसे लेटा लेटा जाता है। एक बार तालियां हो जाए भाई, भरपूर तालियां हो जाए। वाह 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 वाह, क्या चित्रण किया है भाई। तो मैंने सूरज भाई से कहा, सूरज भाई यहाँ ससुराल चल दीजिए। हाँ। मैं अकेला हूँ, पिछली बार तो बारात लेकर के गया था, इस बार अकेला पड़ा हूँ, आप चल दीजिए। बोले चल तो दूंगा लेकिन वहां करूंगा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ करना भी नहीं। कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर मैं पहली बार जा रहा हूँ वहां कुछ ज्यादा फेंक दूं तो आपको खांस देना है। उन्होंने कहा ठीक है। मैं अब इनके साथ पहुंचा, ससुर साहब के सामने बैठा और फेंकना शुरू किया। क्या बाबू जी, वो जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक किलोमीटर का सर्प मिला। सूरज भाई ने खांसा। मैंने कहा थोड़ा, मैं जब गौर से देखा तो 800 मीटर का था। इन्होंने फिर खांसा। मैंने कहा, फिर मैं नजदीक जाकर देखा तो 500 मीटर का था। इन्होंने फिर खांसा। मैंने कहा, फिर मैं फीता लेके नापा तो 300 मीटर का था। इन्होंने फिर खांसा। मैंने कहा पर खांसो चाहे पूछो, और मैं फीते से नाप दिया। बहुत अच्छा भाई, कमाल है। अच्छा पीढ़ी किधर जा रही है? हम उन फिल्म दुनिया, हम छोटी छोटी साठ फिल्में अपनी बोली पर बनाते हैं, उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम आज एक साथ परिवार बैठकर कोई फिल्म देख नहीं सकते। तब उन फिल्म दुनिया वालों से मेरा निवेदन कि अगर तुम इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, डांस करो, हाय हाय डांस करो। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम, ये दो चार बॉटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं होता है। हाय हाय वाह वाह, न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे। दादा की उपस्थिति है, एक डेढ़ मिनट की रचना, एक सवाल आप सबकी उपस्थिति। स्वागत स्वागत है। आप अभी दादा अरे खंजर भैया वीरों की बात करके गए, मैं भी वो बात ना चाहता हूँ। हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस में, लेकिन किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तब मेरा ये सवाल है आपसे 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 कि आज भी उनकी कब्र में आ रहे हो, आज भी उनकी कब्र में आ रहे हो, आज भी उनकी कब्र में आ रहे हो, खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में आ रहे हो, खेल रहे हैं ढेले, अब किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे? आए हाय क्या बात है, किस क्या बात है, चिता पर कहां लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, रोती है बस बेबस पत्नी, रोती है बस बेबस पत्नी, छुपते हुए अकेले, किस सही निकले कौन? आए हाय क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। किसी ने अपनी आग का तारा, किसी ने अपनी आग का तारा, किसी ने साथी खोया है, इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है, अरे जो भी मिलता, जो भी मिलता, जो भी मिलता, इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले, किस शहीद की कौन? हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद। कभी रखे थे तुर्बत में, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए, चार दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए, अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें, किस शहीद की क्या बात है, वाह वाह।